हेलो, नमस्कार। संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय झा। प्रारंभ करने से पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स के द्वारा हमें पता चलता है कि आप बहुत ही सीरियसली सीख रहे हैं और आपको इसका लाभ मिलता है। तो इसीलिए आप अपने कमेंट्स जरूर से जरूर किया करें। इस रिकॉर्डिंग में मैं एक भजन, मुझे ऐसा वर दे दे गुणगान करूं तेरा, का रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। और ये पार्ट थ्री है। पार्ट वन में और टू में इसके स्थाई और अंतरा का रिकॉर्डिंग मैं कर चुका हूं, और उसे मैं सी शार्प से रिकॉर्ड किया हूं। इसे भी मैं सी शार्प से रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। ये पार्ट थ्री है। इसमें सभी पैराग्राफ्स को मैं आपको गा करके बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। ये राग शिवरंजनी में है, पहले भी मैं बताया हूं। राग भूपाली की तरह इसमें सारे ग प ध सा इस तरह से हम लेते हैं, लेकिन ग कोमल होता है। बस ये अंतर है। ध्यान से सुने। जो अस्थाई मैं गाया था, एक बार उसे भी मैं गा रहा हूं, और एक बार पहले पैराग्राफ को भी मैं गा रहा हूं, और उसके बाद सभी पैराग्राफ्स को मैं गाता चला जाऊंगा। आप ध्यान से सुने। मुझे ऐसा वर दे दे गुण गान करूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे अंतरा इस तरह था। सेवानित तेरी करूं, तेरे द्वार पे आऊं मैं। दूसरी लाइन, चरणों की धूलि को निज शीश लगाऊं मैं, निज शीश लगाऊं मैं, चरणामृत पाकर के नित कर्म करूं मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। मुझे ऐसा वर दे दे आइए अब दूसरे अंतरा को मैं दिखा रहा हूं आपको। ध्यान से देखें। भक्ति और शक्ति दो अज्ञान को दूर करो, अरदास करूं गुरुवर अभिमान को चूर करो, अभिमान को
चूर करो, नहीं द्वेष रहे मन में, रहे वास गुरु तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे, तीसरा पैराग्राफ, विश्वास हो ये मन में रहे तुम साथ ही हो मेरे। एक बार फिर से इस लाइन को मैं गा रहा हूं, विश्वास हो ये मन में तुम साथ ही हो मेरे, तेरे ध्यान में सोऊं मैं, सपनों में रहो मेरे, सपनों में रहो मेरे, चरणों से लिपट जाऊं, तुम ख्याल करो मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे। आइए चौथे पैराग्राफ को देखते हैं, मेरे यश कीर्ति को गुरु मुझसे दूर रखो, इस मन मंदिर में तुम भक्ति भर पूर भरो, भक्ति भर पूर भरो, तेरी ज्योति जगे मन में, नित ध्यान धरूं तेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा वर दे दे। इस तरह से इसके सभी पैराग्राफ को गाया जाएगा। सभी का कंपोजिशन एक जैसा ही है। पहला है सेवा नित तेरी करूं, दूसरा भक्ति और शक्ति दो, तीसरा विश्वास हो ये मन में, और चौथा मेरे यश कीर्ति को।
तो ये चारों पैराग्राफ जो है एक जैसे कंपोजिशन का है, तो अगर एक पैराग्राफ को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप सभी पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से बजा पाएंगे। और मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि जब आप पहले पैराग्राफ को बजाते हैं और सीखते हैं तो उसमें सभी शब्दों को ध्यान में रखें कि कौन से शब्दों को किन किन स्वरों पर बजाया गया है, उसे उसी तरह तैयार करें जैसे सिखाया गया है। तो अगर आप उसे बहुत ही ध्यान दे करके करेंगे तो आपको आपकी गलतियां नहीं होंगी कहीं पर, आप बहुत ही अच्छी तरह भजन को या किसी भी गाने को तैयार कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले बहुत ही धीमी गति से तैयार करें और अपनी गलतियों पर ध्यान रखें, उसे पूरी अच्छी तरह करें, और उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब आपको कंपोजिशन याद हो जाता है, हारमोनियम के स्वर आपको याद हो जाते हैं, फिर आप उसे थोड़े से फ्लो में बजाना शुरू करें जैसे भजन को गाना है। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करें। इसके बाद एक रिकॉर्ड मैं और करूंगा इस गाने का, जिसमें मैं रिदम बजा करके इसे रिकॉर्ड करूंगा ताकि आप इसे समझ सकें कि किस तरह हम इसे रिदम के साथ गाएंगे। और ध्यान रखें कि रिदम के साथ आप तभी सही तरीके से गा पाएंगे जब आपका हारमोनियम बजाना और आपका गाना प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है। अगर आप कंफ्यूज हैं और अगर ये तैयार अभी सही ढंग से नहीं हुआ है तो आपकी गलतियां निश्चित हैं, गलती होगी ही होगी वहां पर। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखें कि आपको फोकस करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है ताकि आप उसे सही तरीके से गा सकें और सही तरीके से बजा सकें। ठीक है, आप इसकी तैयारी करें, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। और जाने से पहले एक बार फिर से आग्रह करूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और अपना कमेंट्स करना ना भूलें। ठीक है, फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।